नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल राजभर, विजुअल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, आपके बीच में इस देश की एक अहम समस्या लेकर उपस्थित हूँ। ये समस्या है सुल्तानपुर जिले तहसील कादीपुर की, जहाँ पर एक कम्युनिटी को बार बार उसके साथ में धोखा किया जा रहा है। उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, वह सूचियों में सूचीबद्ध होते हुए भी उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है माजरा। इस देश में ओबीसी की लिस्ट में एक भर जाति के नाम से एक जाति दर्ज है, जो 36 नंबर पर दर्ज है, इंक्लूड है, और ये लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी कास्ट। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी कास्ट में भर जाति के नाम से एक जाति दर्ज है, जो इस देश की निवासी है और लगभग बहुत से जिलों में पाई जाती हैं। ये जातियाँ स्वतंत्रता सेनानी कौम भी रही हैं, मगर इनको जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है तहसील कादीपुर में कि यहाँ पर भर जाति अस्थाई रूप से निवास ही नहीं करती है, जबकि मैं बता दूं कि तहसील कादीपुर में कम से कम 50,000 की संख्या में भर जाति निवास करती है, जिन्हें उप जाति के रूप में राजभर भी कहा जाता है और लोग बड़े शानो शौकत के साथ राजभर भी लिखते हैं। कुछ लोग भारद्वाज भी लिखते हैं, कुछ लोग राय भी लिखते हैं, कुछ लोग राजपूत भी लिखते हैं और कुछ लोग भूमिहार ब्राह्मण भी लिखते हैं। मित्रों, लेकिन कोई जो कुछ भी लिखता हो, उन्हें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी है और वो सूचीबद्ध है भर के नाम से, तो उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मित्रों, मैं बता दूं, लेकिन कादीपुर में बार बार इस शासनादेश की अवहेलना की जा रही है, उन्हें भर जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि भर जाति वास्तव में क्या है या उनको भर जाति के प्रमाण पत्र के फायदे क्या हैं। तहसील कादीपुर में भर जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है तो सिर्फ राजभर जाति के नाम से। अब जरा आप अवलोकन करें, सेंट्रल की लिस्ट में भर जाति के नाम से इंक्लूड है 36 नंबर पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी की सूची जारी की है, और तहसील कादीपुर में बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर भर जाति निवास ही नहीं करती है, राजभर जाति निवास करती है। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ राजभर जाति निवास करती है और सेंट्रल में भर जाति के नाम से इंक्लूड हैं और यहाँ राजभर जाति बताया जा रहा है कि यहाँ राजभर जाति निवास करती है, तो आप जरा आकलन करें, सेंट्रल में 36 नंबर पर ओबीसी में भर जाति इंक्लूड है, मगर तहसील कादीपुर में बताया जा रहा है कि आप राजभर हो, भर नहीं हो। तो अगर और भर जाति सेंट्रल की लिस्ट में इंक्लूड है, राजभर कहीं नामो निशान नहीं है। जब सेंट्रल की लिस्ट में नामो निशान नहीं है, तो आप इस देश का लाभ कैसे पाएंगे? जरा आप अपनी जरा आप सोचें, चिंतन के माध्यम से सोचें, जरा विचार करें, देखें, शासनादेशों का गहन अध्ययन करें, क्या हो निकलता है, इसका सार क्या निकलेगा। इसका सार यही निकलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भर के नाम से शासनादेश जारी की है और उसमें राजभर कहीं नाम दर्ज नहीं है, तो आपको कादीपुर में बार बार बताया जा रहा है कि आप भर ना हो करके राजभर हो, तो आप जब यहाँ से भी गए, क्योंकि लिस्ट में आप भर हो और यहाँ बताया जा रहा है यहाँ भर जाति निवास नहीं करती, राजभर है, सेंट्रल की लिस्ट में राजभर नहीं है भर है, तो आप यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, लेकिन लोग इस समस्या को समझ नहीं रहे। और यहाँ जांचों उपरांत जो बार बार बताया जा रहा है, मेरे पास लिस्ट है,
ये देखिए जांच के द्वारा पाया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे भर जाति स्थायी रूप से निवास नहीं करती है। ये दिनांक 30/6/2018 को ये शासनादेश जारी किया गया था जांच के तौर पे। इसमें बार बार लिखा जा रहा है कि यहाँ भर जाति के व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, आख्या साथ में संलग्न है। अब मैं बता दूं भर जाति होने के साक्ष्य के प्रमाण, आधे से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर जो किसान बही होती है, जोत बही होती है, उसमें साफ साफ भर जाति लिखा गया है। जो बच्चों की मार्कशीट और टीसी है उसमें भी भर लिखा गया है। मैं खुद चंद्रपाल राजभर विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मेरी खुद टीसी में भर लिखा गया है मूल रूप से, और हमारी उपजाति राजभर रही है। अब जरा आप ही आकलन करें। फिर इसके बाद परिवार रजिस्टर में भर जाति के नाम से लोगों के दर्ज है, परिवारों के नाम दर्ज हैं, मगर इतनी बड़ी अवहेलना इस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ना तो भर जाति को प्रमाण पत्र ओबीसी का दिया जा रहा है और ना तो विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो दोनों सूचीबद्ध हैं और शासनादेशों के साथ है, फिर भी शासनादेशों की अवहेलना करते हुए तहसील प्रशासन निग्लेक्ट कर रहा है। अब क्या कहा जाए ऐसे प्रशासन को। हमने आवेदन किया था ओबीसी की लिस्ट में भर जाति के नाम से, जिसे जो प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया गया है। ये देखिए हमने आवेदन किया था, डेट ये देखिए हमारा कैंसिल हुआ है। पिछड़ी जाति का भर जाति के नाम से था प्रमाण पत्र, रामकाश लगा करके कैंसिल कर दिया गया। जो भी भर जाति के नाम से ओबीसी में अगर आवेदन करता है तो उसका कैंसिल कर दे रहे हैं। क्यों? मैं कहता हूं कि इसी भर जाति के नाम से लोगों ने प्रमाण पत्र से जॉबें की हैं, नौकरियां की हैं, और उसे आप कैंसिल कर रहे हैं। तो मूल जाति अगर कैंसिल कर रहे हैं आप, तो उपजाति के नाम से प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ये कहां संभव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अहिर को यादव नहीं कहते हैं? क्या भर को राजभर नहीं कहते हैं? क्या ठाकुर को सिंह नहीं कहते हैं? क्या पंडित को या ब्राह्मण को मिश्रा दुबे तिवारी नहीं कहते हैं? जरा आप इस बात को आकलन करिए, फिर इसके बाद करिए। क्या चमार को हरजन गौतम नहीं कहते हैं? जरा आप देखिएगा किस तरह का खेल हो रहा है यहाँ पर। मूल जाति के नाम से प्रमाण पत्र ना जारी करके उनकी उपजातियों के नाम से जारी कर रहे हैं, और जो लाभ शासनादेशों के तहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उससे कम्युनिटी और देश को हानि हो रही है। देश के जो पिछड़े और युवा हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं या जो वंचित जा रहा है इस देश में, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। लोगों से यही गुजारिश है, इस आंदोलन को आप लोग लड़िए, आप लोगों के अधिकारों के साथ बहुत बड़ा हनन हो रहा है, और जहां पर मेरी भी आवश्यकता होगी मैं तन मन धन से आपके साथ में रहूंगा, लेकिन इस अवहेलना को अंजाम देने के लिए आप लोग तत्पर आइए। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इस जमाने में, इस देश में एक युग था जब आप मार्शल कौम थे, स्वतंत्रता सेनानी जातियां थे, जब आप राजा थे, लेकिन आज राजवाड़ छीनने की वजह से आप इस हाशिए पर चले गए हैं कि जहां पर आपकी गिनती एकदम निरर्थक हो गई, किसी भी कौम में अस्थायी रूप से नहीं हो पा रही है। अब आपको दो कम्युनिटियों में बांटने की बात चल रही है, एक तो राजभर कम्युनिटी, दूसरा भर कम्युनिटी। मैं कहना चाहता हूं कि राजभर तो आपका मूल नहीं हो करके आपकी उपजाति है, भर आपका मूल है, तो कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं? राजभर तो कोई राजा थे नहीं, जो राजा थे वो तो भर जाति के लोग ही थे। अब जरा गौर फरमाइए, हमें लाभ सिर्फ ज़्यादातर हिंदुस्तान में भर जाति से मिलने वाला है, राजभर से नहीं। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, और कुछ मित्र हैं जो इसका घोर विरोध भी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जरा आप हीन भावना को छोड़ करके शासनादेशों का अध्ययन करिए, उसके लाभ का अध्ययन करिए, तब किसी भी
आंदोलन का आप विरोध करिए, वरना ये समाज आपको लात मारने से पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार मित्रों।